तो NS200 लॉन्च में तो निकल गई है। बाय बाय NS200। NS200 तो निकल गई भाई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइज आज बहुत ही प्यारा कंपैरिजन टेस्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और जो कि होने जा रहा है 2024 की एकदम न्यू NS200 और भाई दूसरी साइड खड़ी हुई है यामाहा की MT15। तो इन दोनों ही बाइक का कंपैरिजन करने जा रहे हैं भाई। और बाकी NS का आप लुक देख सकते हो, आगे से काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो USD फॉग्स वगैरह दिए गए हैं इसमें, और LED आगे की चेंज कर दी गई है, और मीटर कंसोल की बात करते हैं तो मीटर भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है इस टाइप का, तो जो काफ़ी अच्छा मतलब लुक देता है बाइक को। और बाकी पावर फीचर्स की बात रही तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके चेक कर लेना। तो MT की बात करते हैं तो इसमें भी नॉर्मल आपको ऐसे ही मीटर मिल जाता है, तो इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ड्रैग और दिखाते हैं आपको कंपेरिजन टेस्ट, और देखते हैं भाई कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चला रहा हूँ पहले यामाहा MT15 मतलब MT15, और बिल्कुल चला रहा है बजाज पल्सर NS200 को 2024। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, लेट्स गो। तो NS200 लॉन्च में तो निकल गई है। काफी तेज जा रही है भाई वो, मतलब भाई क्या पावर है NS200 में, पावर तोड़ भाग रही है भाई वो। देखते हैं आज ये कितना जाती है भाई साहब। ये जा रही है फिफ्थ गियर में 128, सिक्स्थ गियर लगा लिया मैंने, देखते हैं 130। ज़्यादा टक करना पड़ेगा लग रहा है। 133, 34, 35, 36, 37। बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो चुका है, जैसा देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया। ये रही NS200, बाय बाय NS200। काफी पीछे है, बहुत पीछे हो गई है। ये रही देख सकते हो आ रही है, बहुत तेज आ रही है भाई, पावर तोड़ भाग रही है वो भी गजब भाई। ये रही ओपो, सिर्फ जिम करते हैं देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई भला नहीं होगा यहाँ पर। भाई साहब तगड़ी तगड़ी भाई, तगड़ी 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 भाई, कॉम्पिटिट करने के लिए इसमें इतनी पावर नहीं है। ना ना इतनी
इतनी पावर पूरा चांस दिया था खैर मैंने। हाँ तो गाइस जैसा आपने यहाँ पे देखा कि इनिशियल पावर तो थोड़ा बहुत ठीक था MT-1.5 का, लेकिन NS-200 इतना जो है MT-15 इतनी कैपेबल नहीं है कि NS-200 कोई बीट कर पाए। अभी एक बार राउंड जो है हम राउंड टू करेंगे, यहाँ पे राइडर स्विच करके देखेंगे। राइडर स्विच करने से क्योंकि वेट रेशियो भी मैटर करता है, थोड़ा सा दिल को उससे मेरे से भारी है, तो एक बार राइडर स्विच करते हैं। राइडर स्विच करके देखते हैं कि राइडर स्विच करने के बाद में क्या रिजल्ट आते हैं। तो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर NS-200 है भाई, इसकी पावर कहाँ वो बीट कर पाएगी भाई। भाई साहब गजब पावर है इसमें भाई, पावर तोड़। जाओ जाओ थोड़ा MT-15 को भी मौका दे देता हूँ। MT-1.5 पाँच गियर में हराते हैं इसको, ठीक है। ये पाँच गियर में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने NS-200 तो निकल गई भाई। आ चुकी है MT-1.5 बहुत ज़्यादा पीछे, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, दोनों बाइक नेकेड होने वाली है। यहाँ पर 142 गई है अभी खाली बस। MT-1.5 बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है, बहुत गैप मेंटेन हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो चुका है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है जिससे शायद से टॉप स्पीड नहीं अचीव हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, तो इसको रोक ही देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। बहुत गैप मेंटेन कर ले रही है NS-200 जिस हिसाब से भाग रही है ना। MT-1.5 कुछ नहीं, इसको टक्कर पता है कौन सी बाइक देगी? यामाहा RM5M और RM5 Version 4। हराया है तो एक बार चलो यहाँ पे। आप गाइस जैसा अभी देख सकते हो कि MT-1.5 जो है अभी इतनी अच्छी कंडीशन में है, उसके बाद में भी NS-200 जो है NS-200 को हरा नहीं पा रही, मतलब इतना पावर NS-200 में सर्विस होने के बाद में तो भाई गजब भाग रही है, मतलब चीर रही है। अभी पूरा थ्रॉटल मैंने नहीं दिया, उसके बाद में भी ये हाल है। तो जैसा देख सकते हो कि भाई अभी मैंने पूरा थ्रॉटल नहीं दिया, 143-144 तक गया, लगभग ये 155 तक जाती है NS-200, लेकिन यहाँ पे भाई MT-15 ने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया। पावर खत्म हो गई, पावर ड्रॉप हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारी भाग रही है NS-200। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो फटाफट से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।